लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना का सिलसिला जारी है, जहां लगातार देश और प्रदेश से अलग अलग समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। वहीं अब इन समीकरणों पर सियासत का सिलसिला रफ्तार पकड़ रहा है। नहीं, जैसा कि मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश में हम 29 में से 29 सीट में आगे हैं और हम बरकरार रखेंगे और हमारे जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ाकर मानेंगे। दूसरा जहां तक विषय है इंदौर का, इंदौर में हम 11 लाख वोट से ज्यादा वोट से जीतेंगे और प्रचंड जीत, पूरे देश की सबसे बड़ी जीत साबित करेंगे। जहां तक पूरे देश के आंकड़ों का सवाल है, हम अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं आए हैं। हम चुनाव के बाद सारे मंथन करेंगे विषय पे और आने वाले समय में रणनीति बनाएंगे। एक राष्ट्रीय पार्टी ने अपना प्रत्याशी पलायन कर गया और उसने आह्वान किया था नोटा का, तो जो उसके कमिटेड वोट हैं वो निश्चित रूप से नोटा को उन्होंने डलवा दिए। अभी ये तो कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। निश्चित रूप से हमें 325 सीट के आसपास पूरे देश में परिणाम आने की उम्मीद है। 11 लाख से ऊपर हम जीतेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का। देखिए, मैं मध्य प्रदेश आता हूँ, मैं बात कर दूँ, अभी बहुत जगह ना बहुत जल्दबाजी हुई, कांग्रेस पीछा रही है। बराबर हम दोबारा फाइट कर रहे हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस के एक आशातीत परिणाम मध्य प्रदेश में भी मिलेंगे। देखिए, पूरे देश में कितने आशातीत परिणाम आ रहे हैं, कितने मध्य प्रदेश में आशातीत परिणाम आएंगे। इंदौर में जो नोटा में लोगों का आक्रोश जो लोगों ने व्यक्त किया है, इसका स्पष्ट दिखाई रहा है कि इंदौर में शंकर ललवानी की जो जीत है वो कहीं ना कहीं दागी जीत, हम अपनी माली भाषा में कहें, एक जीत दागी जीत हो चुकी है। मतलब जिसे कि सम्मानी जीत नहीं कहा जा सकता। लोगों का आक्रोश, जो 1.25 लाख से ऊपर नोटा के वोट अभी तक गिर चुके हैं, मुझे यकीन है कि ये बहुत, इसका आंकड़ा बहुत तेजी से और आगे बढ़ेगा और नोटा में भी इंदौर जैसे सफाई में अव्वल है, इससे नोटा में भी पूरे देश भर में अव्वल रहेगा। ये जन आक्रोश है जो इनकी जीत को दागी बना रहा है। देखिए, मैंने कहा ना कांग्रेस आशातीत परिणाम आएंगे, चमत्कार करने वाले परिणाम आएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है देश में।